हेलो बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है, बिपिन चंद्रा, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, ये हमारा जो चैप्टर है, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली है यूरोपियंस इन इंडिया, वो बिल्कुल सिमिलर ऐसी ही है। 70% सेम है, 30% का, 20-30% के आसपास का डिफरेंस है। अगर आप फ्यूचर में इस वीडियो को देख रहे हैं या अभी देख रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आपने इससे पहले वाली वीडियो देख ली है, जो आपको हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में इसी चैनल पे इससे पहले जो वीडियो दिखेगी वो, या फिर अगर नाम से देखें तो यूरोपियंस इन इंडिया करके वीडियो है, उसके बाद ही इस वीडियो को देखेंगे। रीज़न क्या है कि काफ़ी कुछ दोनों में सेम है, 20-30% का डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस आउट मत करना। अब मैं पढ़ाऊंगा क्या, जो 30% के आसपास जो डिफरेंट पोर्शन है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, वही मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। जो मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ वो मैं स्किप करता चला जाऊँगा, और जब आप इसी वीडियो के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पढ़ेंगे तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बिगिनिंग्स ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट्स इन इंडिया, है ना। मतलब कि यूरोपियन सेटलमेंट का मतलब क्या है, कि यूरोपियंस इंडिया में आए, उन्होंने अपना ट्रेड सेटल किया, अपनी फैक्ट्री, अपने ठिकाने सेटल किए, है ना, अपने फिर एम्पायर या फिर अपने छोटे छोटे, जैसे फ्रांस हो गया या पुर्तगाल हो गया, उनकी छोटी छोटी टेरिटरी उन्होंने यहाँ पे स्टेबल करी, ठीक है ना, सेटल करी बेसिकली। तो ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं, द स्टोरी ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू इरा, मतलब कि एक नई इरा की, नए एक जमाने की यहाँ पे बेसिकली शुरुआत होने वाली थी। इससे पहले नई शुरुआत क्या थी, मुगल इरा। उससे पहले क्या थी, दिल्ली सल्तनत की 5 जो सल्तनतें थी, जो टोटल 5 जो डायनेस्टी थी, जो वंश थे, उनकी इरा, है ना। तो ऐसे करके इरा, एक दौर आता है, अब यहाँ पे एक नया दौर आ गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। व्हाई यूरोपियंस वांटेड टू ट्रेड विद इंडिया, इंडिया के साथ ऐसा क्या था जिसमें यूरोपियंस ट्रेड करना चाहते थे, कुछ तो बेनिफिशियल था। डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियन ट्रेड विद इंडिया, फिर कैसे डेवलप हुआ यूरोप का डायरेक्ट ट्रेड इंडिया के साथ, ओके। फिर है ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स वे ऑफ बिजनेस। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यहाँ पे ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की, इंग्लैंड की, यूनाइटेड किंगडम की, उसकी ग्रोथ कैसे हुई यहाँ पे इंडिया में और उसने बिजनेस कैसे किया। उसके बाद है काउंटर ऑफ ब्रिटिशर्स विद औरंगजेब, जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उनका औरंगजेब के साथ उनकी लड़ाई। उसके बाद है यूरोपियंस ईस्ट इंडिया कंपनीज, डच, फ्रेंच और पोर्टुगीज, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये चार ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर है एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, अंग्रेजों की और फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी जो स्ट्रगल हुई थी वो। फिर डुप्लिक्स, जो कि यहाँ पे फ्रांस के एक गवर्नर जनरल थे इंडिया में, उनके बारे में पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। देन वन, व्हाट ब्रिटिश लर्न इन देयर इनिशियल टाइम इन इंडिया, और शुरुआत में ही अंग्रेजों ने भारत में क्या समझ लिया था, मतलब कि जब इंडिया में वो आए तो यहाँ पे एक्सपीरियंस जो शुरू में उनको हुआ 100-150 साल तक, उसमें उन्होंने क्या यहाँ पे समझ लिया था, क्योंकि आने के 150 साल के बाद तो उन्होंने अपना खुद का शासन बेसिकली शुरू कर दिया था। 1600 के आसपास में वो आए थे, 1600-1602 के आसपास में, और करीब करीब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में उन्होंने बंगाल में अपना शासन शुरू कर दिया था। तो उस 150 साल के टाइम में उन्होंने क्या कुछ समझा था इंडिया में आके, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पूरी की पूरी जो स्लाइड्स है वो मैं स्किप करता चला जाऊँगा, ठीक है ना। देखिए, व्हाई यूरोपियंस वर इंटरेस्टेड इन इंडिया, ये थोड़ा सा मैंने इसमें से पढ़ाया भी है, लेकिन फिर से पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस भी आएगा इसमें, ठीक है ना। देखिए, क्यों करना चाहते थे, ईस्टर्न स्पाइसेस, ईस्टर्न मतलब यूरोप के लिए ईस्ट क्या था हमारा, स्पेशली किसको रेफर करते थे वो, ईस्ट से या ओरिएंट से। आपका जो हमारा पूरा जो इंडिया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, बांग्लादेश का ये वाला एरिया हो गया, साथ में म्यांमार हो गया, उसके बाद फिर आपका पूरा सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सारा जो एरिया है ना, इसको वो ईस्ट बोलते थे। और यहाँ के जो मसाले थे उनके पीछे वो काफ़ी ज़्यादा बेसिकली पागल थे, काफ़ी ज़्यादा कायल थे उनके, ठीक है ना। ईस्टर्न स्पाइसेस वर इन हाई डिमांड, काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में थे हमारे मसाले, और स्पेशली वहाँ पे जब विंटर्स होते थे, मैंने बताया था आपको, जब ठंड पड़ती थी तो हमारे मसालों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी उस मीट को पैलेटेबल बनाने के लायक के लिए, मतलब कि खाने के लायक। आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं अंकल आंटी यहाँ पे अपना मीट कुक करना चाह रहे, तो ये मीट कुक करेंगे, लेकिन आप सीधा कुक करके खा तो नहीं सकते, आपको मसाले भी चाहिए उसको, है ना, आपको खाने लायक बनाना पड़ेगा, टेस्टी आपको उसको बनाना पड़ेगा। ये हो गई एक चीज़। तो एंशियंट टाइम में,
पुराने ही समय से, अब ये तो ऐसा है नहीं कि इनको मसालों की जरूरत अभी पड़ी थी कोई 500 साल पहले इसलिए वो आ गए, नहीं, पहले उनकी डिमांड किसी और तरीके से पूरी हो रही थी। वो क्या था, एंशियंट टाइम्स में ग्रीक्स जो थे, ग्रीक्स के जो व्यापारी थे वो इस कारोबार को करते थे और मसाले आराम से यूरोप में पहुंच जाते थे ठीक ठाक रेट में, ठीक है ना, पूरे यूरोप में फैल जाते थे। मिडिवल टाइम्स में क्या हुआ, ये जो ट्रेड था ये पूरा का पूरा मोनोपोली हो गया इटालियंस का, ठीक है, मिडिवल टाइम्स में। और जब बात आई 1500 के आसपास की, तब यहाँ पे मोनोपोली तो इटालियंस की ही थी, यूरोप में तो जो पूरा मसाले को जो बेचने वाले थे, जो फैलाने वाले थे, वो तो इटालियंस ही थे। लेकिन इटालियंस का इस ट्रेड पे मोनोपोली नई तरीके से टर्किश और अरब्स की भी शुरू हो गई थी, वो मैंने आपको समझा दिया था पिछली वाली वीडियो में। जो तीन ट्रेड रूट थे वो मैंने आपको समझा दिए थे। पहला वाला ट्रेड रूट आप यहाँ पे देखेंगे कौन सा है, फ्रॉम सी टू पर्शियन गल्फ देन ओवरलैंड थ्रू इराक एंड टर्की एंड अगेन बाय सी टू वेनिस एंड जेनोवा। यहां से जाएंगे, ठीक है, ये गए मान लीजिए यहां से गुजरात से मसाले लेके या कहीं से भी वेस्टर्न कोस्ट से यहां से गए, ये आ गए आपकी पर्शियन गल्फ मतलब कि आपकी ईरान की खाड़ी, यहां से ईरान के लैंड से होते हुए और फिर टर्की के लैंड से होते हुए और इटली पहुंचेंगे, इटली के यहां पे या तो जाएंगे जेनोवा में या इधर जाएंगे वेनिस में, ठीक है ना, और यहां से फिर पूरे यूरोप में वो सामान पहुंच जाएगा। दूसरा रास्ता यहां पे बताया गया है रेड सी से होके इजिप्ट और फिर उसके बाद दोबारा वेनिस और जेनोवा, मतलब कि आप यहां से जाएंगे गल्फ ऑफ अदेन से, अदेन की जो खाड़ी है वहां से, फिर आप रेड सी से इजिप्ट का लैंड, फिर यहां पे आप दोबारा इटली का वेनिस और जेनोवा। फिर इसके बाद तीसरा रूट है जो सबसे कम यूज हुआ था, यह है आपका हिंदू कुश पर्वत से होता हुआ और पूरा का पूरा लैंड से होता हुआ और बेल्टिक सी में, और फिर वहां से पूरे के पूरे यहाँ यूरोप में सारा वो सामान बिकने लगेगा, फैल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए वाइल क्रॉसिंग दीज स्टेट रूट्स, ये सारे स्टेट रूट्स ही थे। स्टेट रूट किसको बोलते हैं कि ठीक है कहीं पे ज्यादा लैंड है कहीं पे ज्यादा पानी है, लेकिन स्टेट तो फिर भी बीच में आएंगे ना, स्टेट मतलब कि किंगडम हो गया, कोई एम्पायर हो गया। तो ये जो आपके स्टेट थे ये काफी ज्यादा हैवी टोल्स लगाते थे, ठीक है ना, लेकिन गुड बिकेम एक्सपेंसिव बट स्टिल इन डिमांड। इससे क्या होता था, जब आपका यहाँ पे किसी ने टैक्स लगा दिया, यहाँ पे किसी ने कॉस्ट बढ़ जाती थी, लेकिन फिर भी डिमांड पूरी थी। चलिए इसके बाद देखिए, नाउ ओल्ड रूट्स केम अंडर टर्किश कंट्रोल, ये मैंने बता दिया, ये जो पुराने रूट थे ये आ गए थे टर्किश कंट्रोल में, अरब कंट्रोल में, ठीक है ना, और जो वेनिस था उसकी पूरी मोनोपोली थी, वेनिस मतलब कि जो इटली है, ठीक है ना, उनकी पूरी की पूरी यहाँ पे मोनोपोली थी। तो हुआ क्या, उसकी वजह से जो बाकी के यूरोपियन स्टेट्स थे ना उसको मना कर दिया गया। बाकी के यूरोपियन स्टेट्स कौन थे, मान लीजिए ये इटली हो गया, अब बाकी के लोग पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये भी तो इस बिजनेस को करना चाहते थे ना, ये चाहते थे कि हम भी यहां से टर्की होके सामान लेने जाए या इजिप्ट होके सामान लेने जाए, हम भी पैसा कमाएं। लेकिन नहीं, यहां पे पूरी तरीके से मोनोपोली थी, स्पेशली स्पेन और पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम उस समय पे इतना ज्यादा कोई पावरफुल था नहीं, ठीक है। अब इसके चलते क्या हुआ, डिमांड ऑफ स्पाइसेस वाज वेरी प्रेसिंग, ठीक है ना, और जो वेल्थ थी इंडिया की, मतलब कि एक तो मसालों की डिमांड, ऊपर से जो हमारे देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो जो ये पूरा का पूरा एक लुभावना माहौल सा बन गया था उसको लेके पुर्तगाल और स्पेन के जो व्यापारी थे वो काफी ज्यादा उत्साह में थे, ठीक है ना। नाउ दीज न्यू स्टेट्स स्टार्टेड सर्चिंग फॉर न्यू रूट्स, और इन्होंने फिर यहाँ पे नए रूट को तलाशने की कोशिश करी, ताकि जो ये मोनोपोली है टर्की की, वेनिस की, अरब्स की, उसको खत्म कर सके, ठीक है ना। लकीली टिल 15th सेंचुरी, लेकिन जब 15th सेंचुरी का यहाँ पे आई हमारी, तब यहाँ पे जो यूरोपियंस थे उनको शिप बिल्डिंग भी अच्छे से आ गई थी और नेविगेट करना भी आ गया था, तो उन्होंने फिर एक नया रास्ता ढूंढा था जो मैंने आपको दिखाया भी था पिछले वाले लेसन में। अब यहाँ पे ये वास्को डिगामा वाला मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, मैं बताता चलूंगा मैंने क्या आपको बता दिया था, क्या मैं आपको नया बता रहा हूँ, ये मैंने बता दिया था, ये यहाँ पे थोड़ा नया है, ठीक है ना। देखिए, जब यहाँ पे इंडिया की खोज के लिए यहाँ पे कोलंबस निकला था, उसने खोज कर दी जाके वेस्ट इंडीज की और पूरा अमेरिका, है ना, और जब वास्को डिगामा ने खोज करी इंडिया की, तो पूरा का पूरा एक नया प्लेथोरा उनको मिल गया था, ठीक है। सो ये जो दो नई डिस्कवरी थी ना, एक तो इंडिया की और साउथ ईस्ट एशिया की, और एक उधर वेस्ट में अमेरिका की, ये इनके लिए काफी ज्यादा बड़ी जीत थी यूरोपियंस के लिए, ठीक है ना। अमेरिका का सी रूट मिल गया, इंडिया का मिल गया, इसने पूरी हमेशा के लिए वर्ल्ड को चेंज करके रख दिया। सबसे ज्यादा तेजी में क्या था, देखिए, मोर ओवर यूरोपियंस ऑलरेडी पेनिट्रेटेड इन टू अफ्रीकाज एंड प्लंडर्ड इट्स रिसोर्सिस एंड पीपल्स फॉर स्लेवरी इन अमेरिकाज। मैप पे मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, देखिए अगर होगा तो,
ओके, देखिए इधर गए अमेरिका में, इधर आए इंडिया में, दोनों के ऊपर अपना कब्जा किया। अब यहाँ पे इंडिया में तो काम कराने के लिए, व्यापार के लिए लोग थे, लेकिन अमेरिका जो थे, अमेरिका के जो इतना बड़ा लैंड था, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका का, वहाँ पे जो इनको फार्मिंग करनी थी, खेती करनी थी, वहाँ पे काम कराने के लिए भी तो कोई चाहिए था ना। तो इन्होंने पेनिट्रेट करना शुरू किया पूरे के पूरे अफ्रीका में। दूसरा रीज़न ये भी था कि इनको पूरी यहाँ पे, अब शिप तो इनके पास थे बड़े बड़े जहाज, इनको नेविगेट करना भी आ गया था, तो पूरे के पूरे अफ्रीका में से यहाँ से इन्होंने लोगों को उठाया और उनको ले जाके उनसे स्लेवरी कराई, काफी ज्यादा उनसे यहाँ पे काम कराया, पूरे अफ्रीका की जो सोसाइटी थी उसको बर्बाद कर दिया। तो जो परिवार थे अफ्रीका की, जो सोसाइटी थी, वो पूरी तरीके से डिसरप्ट कर दी। ऑफिशियली बताते हैं कि 1.5 से 5 करोड़ के आसपास लोगों को इन्होंने बेचा, है ना, जो जिनको निगर बोलते हैं, जो ब्लैक लोग बेसिकली होते हैं अफ्रीका के, उनको ये खरीदते थे और सीधा स्लेवरी के लिए बेचते थे, समुद्री जहाजों पे लोड करते थे और फिर उनसे प्लांटेशंस में और फार्मिंग में काम कराते थे खेतों में। ओके, लेकिन पता नहीं एक्चुअली में 10 करोड़ होंगे, 20 करोड़ होंगे, कितने होंगे, वो भी उस समय में जब वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो पूरे के पूरे परिवार इन्होंने बर्बाद कर दिए। अब जिनके ये मेल्स को मान लीजिए ले जाएंगे, मेल स्पेशली काम करने के लिए जिनको ले जाएंगे, तो पूरी फैमिली ऑलरेडी वैसे ही बर्बाद हो जाएगी, है ना। फिर देखिए द मनी यूरोपियंस अर्नड, इन सब चीज़ों से यूरोपियंस ने जो पैसा कमाया था ना, वो सारा का सारा पैसा बाद में काम आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। ज़्यादा तो ब्रिटिश ने ही कमाया था, ब्रिटिशर्स ने, इंग्लैंड ने, और वो पूरा का पूरा पैसा इनके स्पेशली काम आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लाने में, ठीक है ना, औद्योगिक जो क्रांति आई थी 18th and 19th century में, उसमें। बाय नाउ द मोनोपोली ऑफ इटली वॉज वेनिश्ड, अब तक जो आपकी इटली की मोनोपोली थी वो पूरी तरीके से वेनिश हो चुकी थी उस ट्रेड के ऊपर, और जो पावर शिफ्ट थी ना, जो पावर थी वो शिफ्ट हो गई थी वेस्टवर्ड इन यूरोप। मतलब कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे, इधर से अगर व्यापार होके जाएगा तो ऑब्वियसली बात है जिनका लैंड या जिनकी सी आएगी, जिनका एरिया रहेगा, उनकी मोनोपोली चलेगी। तो यहाँ से पहले व्यापार यहाँ से हो रहा था तो इटली की मोनोपोली थी कि हम तो सामान आगे नहीं जाने देंगे, लेकिन जब यहाँ से ट्रेड होने लगा तो मोनोपोली फिर इस साइड की कंट्रीज की चली। इस साइड में कंट्रीज या किंगडम कौन से थे आपके, वेस्ट वाले, पुर्तगाल, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, फ्रांस, समझ गए आप। ओके, लेट्स सी, ओके, ये आपका हो गया है पूरा। देन इसके बाद ये वाली जो स्लाइड है, ये पूरी की पूरी मैं आपको पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ठीक है ना। ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी कि कैसे पुर्तगालियों ने अपना पूरा का पूरा जो ब्लू वाटर पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी और पूरे के पूरे समुद्र के ऊपर यहां पे अपना एक बिजनेस का कि मोनोपोली उन्होंने स्थापित कर ली थी ट्रेड की, कि किसी और को ट्रेड करने ही नहीं देंगे, किसी और के जहाज यहाँ पे चलने नहीं देंगे। फिर पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में उनको, वो कैसे उभरे, कैसे फिर उनका डाउनफॉल हुआ, वो मैंने सारी चीज पहले आपको पिछली वाली वीडियो में बता दी थी, तो आप इनको नोट से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। डच के बारे में, नीदरलैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, तो वो भी आप पिछली वाली वीडियो में देख चुके होंगे। चलिए इसके बाद है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ मैं बता चुका था, जो बताना भी बाकी है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। ये वाली स्लाइड हो गई थी, इसमें जो कंटेंट है, इसका जो कंटेंट है वो भी पूरा का पूरा हो गया था, ये वाला कंटेंट भी हो गया था, ये वाला भी हो गया था। अब यहाँ पे ये है मेन जो कंटेंट, अब जो आपको नया पढ़ना है वो क्या है कि पिछली वाली जो स्लाइड थी वो खत्म हुई है कि कैसे औरंगजेब के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझने लगे थे और वेस्ट बंगाल का जो हुगली वाला एरिया है वहाँ पे औरंगजेब ने इनको कैसे मार के भगाया था। जब इन्होंने देखा कि औरंगजेब तो अभी भी पूरा पावरफुल है, मुगल एम्पायर में ताकत है और इनकी मर्जी के बिना तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे, तो इन्होंने जाके क्या किया, मुगल्स जो थे, जो मुगल दरबार था वहाँ पे जाके माफ़ी मांग ली, ठीक है ना, और मुगलों ने इनको माफ़ कर दिया। मुगलों ने यहाँ पे फ्यूचर के थ्रेट को, मतलब कि खतरे को समझा ही नहीं कि यार ये अगर अभी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं तो ये बाद में भी करेंगे, इनकी तो हिम्मत कुछ ज़्यादा ही हो रही है ना। लेकिन जो यहाँ पे मुगल्स थे ना, वो क्या देख रहे थे, इस चीज़ को ना देख के वो देख रहे थे कि यहाँ पे मुनाफा ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है। किस चीज़ से, देखिए डायरेक्ट ट्रेड हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा, सीधा सामान लेके जाते थे यूरोप में, उससे मुगल जो ट्रेजरी थी, जो राज खजाना था, वो काफ़ी भर रहा था, टैक्सेस काफ़ी सारे आ रहे थे, पैसे की कमाई बिल्कुल अंधाधुन हो रही थी, तो उसकी वजह से मुगलों ने इनको माफ़ कर दिया, क्योंकि मुगलों का भी यहाँ पे
अपना एक कारण था, ठीक है ना। फिर देखिए तो हुआ क्या, द इंग्लिश वर वीक ऑन लैंड बट सुप्रीम इन नेवी पावर। और जो अंग्रेज थे वो मुगलों को ये भी पता था कि ये जमीन पे तो कमजोर है लेकिन ये बाकी का ट्रेड तो हमारा फिर होने नहीं देंगे पानी में, तो क्योंकि पानी में ये ज्यादा पावरफुल है। 1698 में क्या हुआ, यहाँ पे जमींदारी तीन विलेज की मैंने आपको बताया था ले ली थी अंग्रेजों ने, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के एरिया में। और ये जब तीन गांव में बिजनेस ज्यादा हुआ, लोग ज्यादा यहाँ पे आए, फिर ये सिटी बनती चली गई और बाद में ये हो गई आपकी कलकत्ता, जिसको आज हम कलकत्ता के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए बंगाल में क्या हुआ, लेकिन जो पहले के, आपके पूरे बंगाल की बात हो रही है, जो पहले के तीन नवाब थे, मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 बिपिन चंद्रा में पढ़ाया था शुरू के, जो तीन नवाब थे मुर्शिद कुली खान से लेके आगे तक के, उन्होंने, वो काफी ज्यादा स्ट्रोंग थे और वो अंग्रेजों को अपने स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंदर रखते थे। हालांकि अंग्रेज अपनी वहां पे मनमानी करना चाहते थे लेकिन उनकी मनमानी हो नहीं पा रही थी। दो पॉलिटिकली डिक्लाइंड बट कंपनी मेड हैवी प्रॉफिट्स इन मनी बाय ट्रेड। तो पॉलिटिकली तो कंपनी डिक्लाइन कर रही थी, जो अपना ये रूल स्थापित करना चाह रहे थे शुरुआत में वो हो नहीं पा रहा था, लेकिन प्रॉफिट में कोई कमी नहीं आ रही थी, प्रॉफिट दबा के हो रहा था, ठीक है ना। फिर देखिए ब्रिटिश जो सेटलमेंट्स थी मद्रास में, बॉम्बे में और कलकत्ता में, सून फ्लरिश्ड सिटीज। अगर आप बाद में देखेंगे आपकी जो मेन प्रेसिडेंसीज बनी थी और मेन जो सिटीज बनी, जो आज भी मेन सिटीज है, वो कौन सी है, आपकी मद्रास हो गई, बॉम्बे हो गई, कलकत्ता हो गई, ये आपके आज भी तीन मुख्य सेंटर है इंडिया के, बड़े सेंटर है। ये शुरुआत से तभी से चलता रहा है पिछले 200-300 सालों से, ओके, अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों के टाइम से। एज दी सिटीज वर ऑन दी कोस्ट, अब क्योंकि ये सारी ही सिटी कोस्ट पे, अगर आप देखोगे बिल्कुल समुद्र के पास है कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, तो होता क्या था, अंग्रेजों को एक फायदा होता था कि जब भी अंग्रेजों की किसी से लड़ाई होती थी, कोई कॉन्फ्लिक्ट होती थी ना, तो अपने समुद्री जहाजों पे चढ़ते थे और भाग जाते थे थोड़े दिन के लिए, ठीक है, अपने मतलब कि पानी में थोड़ी दूर जाके खड़े हो गए, और जैसे ही इनकी कॉन्फ्लिक्ट खत्म होती फिर आ जाते। अब आपको ये छोटी सी बात लग रही होगी या मजाक की बात लग रही होगी, लेकिन ये काफी काफी बड़ी बात है। अगर आप एक जगह पे हैं, आप लैंड पे हैं, तो आपको कोई भी पावरफुल आके खत्म कर जाएगा बिल्कुल ही, लेकिन ये खत्म नहीं होते थे, ये सीधे अपने जहाजों में बैठते और थोड़ी दूर भाग जाते, मान लीजिए 5 किलोमीटर अंदर आपके समुद्र में चले गए, तो उससे ये प्रोटेक्टेड रहते थे, बचे रहते थे, और बाकी किसी के पास नेवी थी नहीं उस समय पे, तो ये इनका काफी ज्यादा एक बेनिफिट था, ओके। फिर इसके बाद देखिए इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन क्या थी कंपनी की, ये मैंने आपको बता दिया कि जो कंपनी को चार्टर मिला था वो 1600 में मिला था, और ये जो चार्टर था ये कैसे था, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जानने के लिए, एक्सक्लूसिव राइट्स टू EIC फॉर ट्रेड। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ये बनी थी मर्चेंट्स की, सिर्फ यही ट्रेड कर सकती थी इंडिया के साथ और ईस्टर्न वर्ल्ड के साथ, बाकी यूनाइटेड किंगडम में उस समय पे किसी को भी अधिकार नहीं था ब्रिटेन में ये व्यापार करने का, एक्सक्लूसिव राइट था, ठीक है। कंपनी को मैनेज कौन करते थे, डायरेक्टर्स होते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे, या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसको बोलते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे, और उसमें 24 मेंबर्स होते थे, ये पूरी कंपनी को मैनेज करते थे, ठीक है ना। शुरुआती 12 साल में क्या हुआ, कंपनी ने यहाँ पे काफी ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट कमाए। वो ह्यूज प्रॉफिट कैसे थे कि दो लाख रुपए का कैपिटल लगा के, मतलब कि 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके और 10 लाख कमाए, और रुपए की बात नहीं हो रही है, यूरोज की बात हो रही है, तो आप कमाई देख सकते हैं कितनी ज्यादा थी, 2 लाख यूरो लगा के 10 लाख यूरो कमाए उस समय में, आज से 300-400 साल पहले। नाउ द मर्चेंट्स, अब ये जो मर्चेंट्स ऐसे थे जो इस कंपनी के मेंबर नहीं थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर नहीं थे, वो भी इस प्रॉफिट को देखना चाहते थे। पूरे ब्रिटेन में ये चीज फेमस हो चुकी थी कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्चेंट्स तो बड़ा पैसा कमा रहे हैं, अब जो बाकी के मर्चेंट थे वो भी इस बिजनेस को करना चाहते थे, लेकिन एक्सक्लूसिव राइट तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था, तो उनको भी कुछ सॉल्यूशन चाहिए था यहाँ पे, है ना। तो हुआ क्या, देखिए बट कंपनी मोनोपोलाइज्ड गिविंग ब्राइब्स द ट्रेड बाय गिविंग ब्राइब्स एंड लोन्स टू मोनार्क एंड अदर पावरफुल पीपल्स। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फिर भी यहाँ पे इस ट्रेड को मोनोपोली बना के इसके ऊपर अपने काफ़ी ज़्यादा वो कामयाब रही शुरुआती दिनों में। कैसे, जो राजा होते थे ना उन्हीं को ब्राइब्स देते थे, लोन्स देते थे, जो मोनार्क थे वहाँ पे उस समय के ब्रिटेन के, उनको ये सीधा करप्शन कराते थे बेसिकली, उनको रिश्वत देते थे, उनको लोन्स देते थे, तो वो इन्हीं का राइट बना के रखते थे यहाँ पे। कंपनी गॉट द राइट फ्रॉम चार्ल्स सेकंड, तो यहाँ पे जो कंपनी है उसको अधिकार मिला चार्ल्स सेकंड जो मोनार्क थे उनके द्वारा, और ये अधिकार क्या था कि आप इंडिया में जाके किले भी बना सकते हैं, फोर्ट्स,
वहां पे अपनी सेना भी खड़ी कर सकते हैं और वहां पे आप युद्ध भी लड़ सकते हैं ईस्टर्न पावर्स के साथ। तो इनको ये अधिकार भी मिल गया था। मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था कि पुर्तगालियों को और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर इसीलिए पड़ रही थी क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट वो थे नहीं इतने ज़्यादा, वो अपनी सरकार पे ज़्यादा डिपेंड करते थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सारे अधिकार ले लिए थे पैसे वैसे लगा के, रिश्वत वगैरह देके। नाउ ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ 1688 इन इंग्लैंड, तो 1688 में बेसिकली एक रेवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में, तो वहाँ पे जो पावर थी ना वो शिफ्ट हो गई आपकी पार्लियामेंट की तरफ, ठीक है ना, मतलब कि राजाओं से और पार्लियामेंट जो था वो थोड़ा ज़्यादा सुप्रीम बन गया। तो उससे क्या हुआ, ये जो चेंज ऑफ पावर थी ना, जो बाकी के मर्चेंट्स थे इन्होंने इसके चलते हुए अपनी डिमांड को प्रेस करना शुरू किया। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो राजाओं को यहाँ पे रिश्वत दे रही थी, अब क्योंकि राजाओं से ज्यादा पावरफुल यहाँ पे आपकी पार्लियामेंट हो गई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो बाकी के जो मर्चेंट्स थे वो बोले अब हमें भी अधिकार चाहिए, वो अपनी डिमांड को प्रेस करना उन्होंने वहां पे शुरू कर दिया और फिर वो अपने आप को बोलने लगे फ्री मर्चेंट्स। ये इजी है, आप समझ भी गए, वो अपने आप को क्या बोलने लगे, फ्री मर्चेंट्स, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग मर्चेंट्स थे। इसके बाद देखिए, लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी कामयाब रही, उसने अपने आप को डिफेंड कर लिया, अपने आप को बचा लिया। कैसे, उन्होंने फिर दोबारा से काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्राइब दी, मतलब कि रिश्वत दी, ठीक है ना। कितनी रिश्वत थी, 80,000 यूरोज की, ठीक है ना, आउट ऑफ विच 10,000 टू द किंग एंड सिक्योर्ड अगेन अ चार्टर इन 1693। तो 1693 में टोटल 80,000 यूरो की उन्होंने फिर दोबारा से रिश्वत दे दी, जिसमें से 10,000 तो सिर्फ राजा को मिले थे। 10,000 यूरो काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, वो राजा को मिले थे और बाकी के आपके पार्लियामेंटेरियन वगैरह जो होंगे, जो भी पॉलिटिशियंस, उनको। फिर देखिए, हाउएवर दिस सक्सेस वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन ये जो कामयाबी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये काफी छोटी रही, ज्यादा दिन तक नहीं चली। क्योंकि रीजन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना काम कर रही थी तो बाकी वाले जो मर्चेंट्स थे वो चुप तो बैठे नहीं थे, वो भी अपने काम में लगे हुए थे। तो हुआ क्या, वहाँ का जो पार्लियामेंट है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स जो उसका पार्ट है, उसने यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया कि एवरीवन, मतलब कि कोई भी इंग्लैंड से, ठीक है ना, ब्रिटेन से अब उसको राइट टू ट्रेड मिल गया है, मतलब कोई भी जाके इंडिया के साथ और बाकी के ईस्टर्न वर्ल्ड के साथ व्यापार यहाँ पे कर सकता है। इसके चलते हुए क्या हुआ, जो राइवल मर्चेंट्स थे ना, उन्होंने अपनी एक कंपनी बना ली और उसका नाम रख दिया न्यू कंपनी। तो अब इंग्लैंड की दो कंपनी हो गई, एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी और एक बन गई है यहां पे न्यू कंपनी। और क्या किया था इन्होंने, कैसे इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास कराया, इन्होंने 20 लाख यूरोज का यहां पे लोन दे दिया सरकार को। इन मर्चेंट्स ने बोला कि हम सरकार को 20 लाख यूरो का लोन देते हैं और हमारे लिए रेजोल्यूशन पास कीजिए, जबकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिर्फ 7 लाख यूरो ही दे पा रही थी, उसके पास 20 लाख थे नहीं देने के लिए। तो यहाँ पे ये विनर रहे अब जो नए वाले मर्चेंट्स थे। हुआ क्या, परिणाम स्वरूप कि जो न्यू कंपनी थी उसने यहाँ पे अपनी मोनोपोली ले ली ट्रेड के ऊपर। अब ये जो दोनों कंपनी थी इनके बीच की लड़ाइयाँ शुरू हो गई, पुरानी वाली भी छोड़ नहीं सकती थी, बड़े बेनिफिट हो रहे थे और नई वाली तो नई नई आई थी बेनिफिट करने के लिए। उसके चलते क्या हुआ, इनकी लड़ाइयाँ हुई, आखिरी में इन्होंने देखा कि यार अल्टीमेटली हम है तो इंग्लैंड के ही, तो चलो दोनों साथ में मिलके काम कर लेते हैं, उसमें क्या है, लड़ाई में किसका भला है। तो इन्होंने क्या किया, 1702 में कंपनी दोनों ये ज्वाइन हो गई और यूनाइटेड कंपनी बन गई। नाम यूनाइटेड कंपनी नहीं है, यूनाइट हो गई, नाम वही रहा ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इसके बाद है कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी थी, किस तरीके से वो यहाँ पे काम करती थी और उसकी जो फैक्ट्रीज होती थी इंडिया में उनको वो कैसे चलाते थे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो फैक्ट्रीज है ये क्या होती थी, मैंने आपको बताया था जनरली फोर्टिफाइड, मतलब कि किलाबंदी होती थी, दीवारों में बंद होती थी। इसमें होते क्या थे, वेयर हाउस, मतलब कि गोडाउन, सामान रखने के लिए, इंडिया में से भी जितना सामान वो लेके आ रहे हैं इंग्लैंड भेजने के लिए उसको वहाँ पे इकट्ठा कर रखते थे ताकि जब जहाज आएगा तो उस पर लोड करके भेज दे, और इंग्लैंड से जो भी सामान आता था उसको यहाँ पे रखते थे अपनी फैक्ट्री में ताकि उसको इंडिया में भेज सके कहीं पे भी, ठीक है ना, डिलीवर करने के लिए। तो वेयर हाउस होते थे, ऑफिस होते थे, और ये जो ऑफिशियल्स थे इनके घर वगैरह सारे इसी चार दीवारी में होते थे, इसी फोर्टिफिकेशन में होते थे। ऑफिशियल्स जो थे उनकी तीन रैंक थी, बस इतना याद रखना है आपको, एक को बोलते थे राइटर्स, दूसरी थी फैक्टर्स और तीसरी थी मर्चेंट्स। तीन रैंक के यहाँ पे ये अधिकारी हुआ करते थे जिनको काफ़ी कम सैलरी मिलती थी। लेकिन सैलरी के लिए आया ही कौन था,
एक्चुअली इनको एक और अधिकार प्राप्त था इन सभी अधिकारियों को कि आप अपना प्राइवेट ट्रेड कर सकते हो इंडिया में। आप इंग्लैंड से कुछ ला रहे हो उसको इंडिया में बेच सकते हो, ठीक है ना। इस टाइप से वो यहाँ पे अपना प्राइवेट ट्रेड कर पाते थे, लेकिन उनको ये परमिशन नहीं थी कि आप सीधा यूरोप के साथ ही ट्रेड करने लग जाओ या इंग्लैंड के साथ। नहीं, आप सिर्फ यहीं पर प्राइवेट ट्रेड कर सकते हो अपना कुछ भी। ओके ओके, सो अब यहाँ पे है आपके सामने एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के बारे में। ये पूरा का पूरा भी मैं पूरे पिछली जो वीडियो है उसमें आपको बता चुका हूँ। अब आगे वाली जितनी भी स्लाइड है ऑलमोस्ट बता चुका हूँ। लास्ट वाली स्लाइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं बताई थी, वो अभी बतानी है। तो ये जो भी सब यहाँ पे है ये पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, यूरोपियंस इन इंडिया करके, ठीक है ना। तो देखिए ये डुप्लिक्स के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया था एग्जैक्टली। ओके, फ्रेंच पावर ये वाला बता दिया था। फिर यहाँ पे जो इनकी जो डुप्लिक्स की और अंग्रेजों की जो लड़ाइयाँ हुई वो मैंने बता दिया था। मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सम लेसन्स लर्न्ड बाय ब्रिटिशर्स इन दिस लॉन्ग टाइम। तो ये जो इतना लंबा समय था, ये जो दशकों तक यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई अंग्रेजों ने, जो यहाँ पे जो भी स्ट्रगल करी, इसमें अंग्रेजों ने सीखा क्या था वो आपके लिए जानने लायक है। तो सबसे पहली बात है, इंडिया लैक्स फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। इंडिया में कोई भी नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की कोई फीलिंग नहीं थी। सभी अपने अपने लिए काम कर रहे थे और जो कॉमन जो मैन थे वो अपने अपने राजाओं के प्रति, अपने अपने मुखिया जो हो गए, अपने कबीले के मुखिया हो गए, कोई भी लगा लीजिए, उनके प्रति वफादार थे। राष्ट्रवाद का आइडिया पूरी तरीके से था ही नहीं, मिट चुका था, ठीक है ना। एंड दे कुड टेक द बेनिफिट ऑफ इंटरनल क्वेरल्स। और अंग्रेजों ने ये देखा कि अब क्योंकि राष्ट्रवाद नहीं है और यहाँ पे स्टेट्स जो हैं उनकी क्वेरल्स आपस में चलती हैं किंगडम्स की, तो हम उसमें फायदा उठा सकते हैं। फिर है, इन्होंने एक चीज़ ये सीखी कि इंडियन स्टाइल ट्रेडिशनल आर्मी जो है ना, ये जो देसी आर्मी बेसिकली इंडिया की जो है, इसको ईजिली हराया जा सकता है एक मॉडर्न वेस्टर्न आर्मी से। क्योंकि इनकी जो आर्मी होती थी उनके पास हथियार अच्छे थे, वो ज़्यादा ट्रेंड थी, वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड थी, उनकी टैक्टिक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पे ये चीज़ों ने इन्होंने एक सीखी। फिर इन्होंने देखा कि जो इंडियन सोल्जर है ना, अगर उसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ट्रेंड किया जाए तो वो एक यूरोपियन सोल्जर के बराबर का अच्छा काम कर सकता है। मोर ओवर दे लैक्ड नेशनलिज्म। और ये भी पता था अंग्रेजों को कि यहाँ के जो सैनिक हैं इनमें कोई राष्ट्रवाद की फीलिंग तो है नहीं, तो इनको यहाँ पे इस्तेमाल करा जा सकता है ब्रिटिश आर्मी में लेके, ठीक है ना। अंग्रेज मतलब अपने लिए उनको इस्तेमाल करने की बेसिकली प्लानिंग कर रहे थे, उनको अच्छा पे करके। अब ये अच्छा पे क्या था, मान लीजिए एक जो इंग्लिश है, मान लीजिए वो किसी काम के 10,000 रुपये ले रहा है, मान लीजिए सैनिक है वो 10,000 ले रहा है, और इंडिया में जो आपके स्टेट्स थे हमारे, मान लीजिए कोई राजा अपने सैनिकों को 2,000 दे रहा है, तो यहाँ पे अंग्रेजों ने सोचा कि इनको हम 4,000 दे देंगे, इंडिया वालों को 2 की जगह, इंडिया वाले 2 दे रहे थे, इंडिया वाले राजा, हम 4,000 दे देंगे, तो यहाँ पे इनको अच्छी पेमेंट मिल जाएगी और हमारे यहाँ पे काफ़ी पैसे बच जाएंगे, क्योंकि हमें यूरोप के सोल्जर इंडिया में नहीं लाने पड़ेंगे जो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। एज अ रिजल्ट, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ब्रिटिशर्स क्रिएटेड अ न्यू आर्मी ऑफ इंडियन सोल्जर्स कॉल्ड सिपोइज, है ना, आपने नाम सुना होगा, सिपाही जो वर्ड है वो यहीं से ही आया है। तो अंग्रेज क्या बोलते थे, सिपोइज, ठीक है ना। उन्होंने एक नई आर्मी बना दी थी पूरी की पूरी इंडियन सोल्जर्स को लेके, अंडर इंग्लिश ऑफिसर्स एंड यूज्ड इट फॉर देयर ड्रीम्स। तो उसके जो अधिकारी होते थे, जो मेन कमांडर्स होते थे, जो ऊंची पोस्ट पे होते थे, वो सारे के सारे इंग्लिश ऑफिसर होते थे। और फिर बाद में इसी पूरी आर्मी को, ब्रिटिश इंडियन आर्मी को, अंग्रेजों ने अपने सपना पूरा करने के लिए, भारत में एम्पायर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये वाला जो चैप्टर था ये काफ़ी ज़्यादा पिछले वाली उस वीडियो को ही मैच करता है, बिल्कुल वैसा ही था, वही सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने दी है, और जो स्लाइड्स न्यू थी, जो अलग थी, वो मैंने आपको बता दी है। आगे वाले जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाले हैं, ठीक है ना। स्पेशली चैप्टर नंबर 8 से लेकर तो ज़्यादा आगे जो जाएंगे वो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उनमें अलग टाइप की स्लाइड्स है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव टाइप की स्लाइड्स वहाँ पे मैंने इस्तेमाल करी है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो लेसन है ये समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप जाके कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।